वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो तीन बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा, आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सस्पेंड, सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते, तब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद है। आपको लगता है कि आप मिलके कोई बात का समाधान निकल पाएंगे? नहीं नहीं, वो भी चिट्ठी लिखे, हम भी चिट्ठी लिखे, इसीलिए वो क्या उत्तर उनका मिलेगा देखेंगे। और अब कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो तीन बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा, आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सस्पेंड, सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका और हमको मुंह बंद करना चाहते, तब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद है। मिलना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आप मिलके कोई बात का समाधान निकल पाएंगे? नहीं नहीं, वो भी चिट्ठी लिखे, हम भी चिट्ठी लिखे, इसीलिए वो क्या उत्तर उनका मिलेगा देखेंगे। और अब कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे